गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज क्लास नाइन्थ नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट का सेकंड क्लास है। और इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के जो सॉल्यूशंस है, इस सॉल्यूशंस को समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म्स पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो? और क्या आप जीरो को पी बाई क्यू फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू एक इंटीजर होगा और क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगी? तो इसका आंसर है, क्या आपका जीरो एक रैशनल नंबर है? तो इसका आंसर है कि यस, जो आपका जीरो है वो एक रैशनल नंबर है। और जीरो को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ जीरो बाई एनी नंबर। दैट मीन्स कि जीरो बाई टू भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, जो रैशनल नंबर जीरो ही है। जीरो बाई नाइन भी लिख सकते हैं, जीरो बाई 7000 भी लिख सकते हैं, जीरो बाई माइनस 7 भी लिख सकते हैं, और इन सब का जो रिजल्ट होगा वो ज़ीरो ही होगा। इसका मतलब ये जो जीरो है वो पी बाई क्यू फॉर्मेशन में हो सकता है, ये जीरो पी बाई क्यू फॉर्मेशन में हो सकता है, जहाँ पर पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं और क्यू की वैल्यू आपकी ज़ीरो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे ही, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर आपको लिखने हैं। तो इस रैशनल नंबर को लिखने के लिए हमने दो प्रॉपर्टीज बताई थी, तो यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टी से सॉल्व करके हम बता रहे हैं। पहली प्रॉपर्टीज जिसको ले रहे हैं कि 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर लेना है, तो पहले हम 3 और 4 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लें, तो हमारे पास पहला नंबर आ जाएगा 7/2। अब जो हमारे पास एक नंबर 7/2 आ गया, ये नंबर आपका 3 और 4 के बीच में है। अब क्या करना है, 3 हमने ले लिया और जो ये रिजल्ट था, इस रिजल्ट को ले लिया, दोनों को ऐड करके अगेन 2 को डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 13/4 नंबर आएगा, और 13/4 भी नंबर होगा वो 3/4 के बीच में होगा। थर्ड नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 ले लिया है और 13/4 जो नंबर आया है, इन दोनों नंबर को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो यहाँ पे किया हुआ है कि अगेन 4 ले लिया है, इस 4 में फिर 7/2 को हमने ऐड किया है, जो पहले 3/4 के बीच में ये नंबर आया था, और फिर उसको रिजल्ट को 2 से डिवाइड किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद 15/4 जो नंबर आया वो भी 3 और 4 के बीच में आ गया। अब हमारे पास जो पहले कंडीशन में एक नंबर आए थे, सेकंड कंडीशन में जो नंबर आया था, इन दोनों नंबर को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से भी एक नंबर जो आएगा 27/8, वो भी नंबर आपका 3 और 4 के बीच में ही होगा। अगेन आपको ये जो नंबर 7/2 आया था, इनको आप, ये जो नंबर आया था थर्ड वाले नंबर में, इन दोनों को भी ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें और इनको सिंप्लीफाई कर दें, 29/8 आ जाएगा। अगेन जो फिफ्थ नंबर चाहिए, फिर सेकंड वाले में जो हमने नंबर निकाला था एंड फोर्थ वाले में जो नंबर निकाले थे, इन दोनों नंबर को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड कर दें, अगेन एक नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से ये 5 आपसे पूछे हुए, लेकिन आप इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हैं। इन दोनों को भी ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, एक और नंबर आएगा, वो भी नंबर 3, 4, 6 के बीच में होगा। इनको इनके साथ ऐड करके सेकंड का रिजल्ट और फिफ्थ का जो रिजल्ट है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, अगेन एक नंबर आएगा, वो भी 3 और 4 के बीच में लाइज करेगा। तो आपका एक तो मैथड ये हो गया। अब इसी में जो अनदर मैथड है, तो फर्स्ट मैथड से जो आपने 6 नंबर निकाले हैं 3 एंड 4 के बीच में, वो आ गए 7/2, 13/4, 15/4, 27/8, 29/8 एंड 53/16। अब एक दूसरा मेथड लेते हैं। दूसरे मेथड में सपोज जो पहला x की वैल्यू को 3 ले लेते हैं, y की वैल्यू को 4 ले लेते हैं, और इस तरह से टोटल आपको 6 नंबर निकालने हैं जो 3 और 4 के बीच में लाइज हो। तो सबसे पहले आपको d निकालना होगा, और d का फॉर्मूला होता है ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर डिवाइडेड बाई कितने नंबर आपको निकालने हैं प्लस 1।
क्योंकि इसमें ग्रेटर नंबर जो है वो वाई का वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर वाई की वैल्यू 4 पुट अप करेंगे और एक्स की वैल्यू 3 पुट अप करेंगे। टोटल नंबर आपको 6 निकालने हैं तो यहाँ 6 पुट अप करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करके डी की वैल्यू आ गई 1/7। अब इस तरह से आपको 6 नंबर निकालने हैं, तो उस 6 नंबर को निकालने के लिए सिंपल जो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस टी, एक्स प्लस 2D, एक्स प्लस 3D, एक्स प्लस 4D, एक्स प्लस 5D एंड एक्स प्लस 6D, क्योंकि डी की वैल्यू भी आपको मालूम है 1/7, एक्स की वैल्यू मालूम है आपको 3, तो ये 3 + 1/7 करेंगे पहला नंबर आएगा, 3 + 2 × 1/7 दूसरा नंबर, 3 + 3 × 1/7 लाइक दिस। तो ये एक फॉर्मूले में आप एक्स और डी की वैल्यू को पुट अप करते जाइए और कंसर्न नंबर आपको इन्फाइनाइट तक मिल सकता है। तो इस तरह से आपने ये नंबर रिजल्ट निकाल लिया। ये नंबर जो है 6 नंबर, दिस नंबर लाइज बिटवीन 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/7। तो अगेन हम इसमें जो सेकंड प्रॉपर्टीज है, सेकंड फॉर्मूला है जो इजी है, उसका यूज़ करते हैं। तो इसमें एक्स की वैल्यू को 3/5 ले लेते हैं और वाई की वैल्यू को 4/5 लेते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई अगर कर दे 3/5 और 4/5 को, तो वहाँ पर जो 4/5 नंबर है वो 3/4 से आपको ग्रेटर नंबर हो जाता है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग हमें x और y की वैल्यू लेनी है। इस तरह से 5 नंबर निकालने हैं तो n की वैल्यू 5 हो गई। अब यहाँ जो d का वैल्यू होता है वो y − x/n+1 होता है, y की वैल्यू 4/5 है, x की वैल्यू 3/5 है और डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 5 है, प्लस 1 कर लेते हैं। न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे 1/5 आएगा, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे 6 आएगा, और जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे 1/5 × 1/6, तो इस तरह से d की जो वैल्यू आ जाती है 1/30 आ जाती है। अब d की वैल्यू आपके पास आ गई 1/30। इस तरह से आप देख रहे हैं कि d की वैल्यू को, जो d की वैल्यूज थी यहाँ पर वो आपकी आ गई 1/30। अब जो 5 रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y निकालने हैं, तो सिंपल फॉर्मूला होता है x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d एंड एक्स प्लस 5d। तो यहाँ पर d और x की वैल्यू को पुट अप करते जाते हैं, तो इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पुट अप कर दिया हमने। तो इनको सिंप्लीफाई करते हुए इन दोनों को रिजल्ट को ऐड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, इनको रिजल्ट को ऐड करके सिंप्लीफाई करेंगे। इस तरह से जो 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर है सभी को ऐड करके और जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ देख रहे हैं इनको सेपरेट को टर्म्स को सभी को लिया गया है और सभी को सिंप्लीफाई किया जा रहा है, सभी को सिंप्लीफाई किया जा रहा है और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इंडिविजुअल सारे नंबर मिल गए, तो ये 5 नंबर आ गए और ये सारे नंबर जो हैं वो आपके 3/5 और 4/5 के ये बीच में लाइज कर रहे हैं। और जो दूसरा मेथड, एक और मेथड आपको बताया था, दूसरा मेथड है कि आपको 3/5 और 4/5 के बीच में नंबर निकालने हैं, तो आप क्या कीजिए, पहले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ में 10-10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 30/50 जो नंबर आएगा वो पहला नंबर होगा जो 3 और 5 के बीच में लाइज करता होगा, फिर 4 और 5 जो है इनको भी ऊपर भी 4 और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 में 10 से, 5 में 10 से, तो 40/50 जो नंबर आएगा, ये नंबर जो होगा वो इसी को सिंप्लीफाई किया हुआ रहेगा। अगर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये नंबर आ जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं दोनों का 50-50 है। तो आप 30 से 40 के बीच में आप सारे नंबर एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ क्या किया आपने, द सेकंड मेथड में 3/4 को आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, जिससे कि 30/50 आया,
और 4 बाई 5 में भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर 10 में मल्टीप्लाई किया, जैसे 40/50 आया। अब दोनों का डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो न्यूमिनेटर जो वैल्यू होगी वो 30 से लेके 40 तक जो वैल्यू होगी वो सारी वैल्यू 3/4 और 4/5 के बीच के नंबर की होगी। तो वो नंबर 30 के बाद आएगा 31, 32, 33, 34, 35, लाइक दिस। आपका ये जो टोटल नंबर है वो 39 तक जाएगा। तो इस तरह से ये सारे नंबर जो होंगे वो 3/4 और 4/5 के बीच में आएंगे। इनको निकालने का ये आपका सेकंड मेथड था, सेकंड प्रॉपर्टीज था। और इस एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो पहला स्टेटमेंट है ट्रू, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, बट होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसका मतलब है कि होल नंबर के इनसाइड में ही नेचुरल नंबर आपका इन्वॉल्व है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड 0 इज कॉल्ड होल नंबर। तो आपका ऑलरेडी कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आ ही चुका है, जो कि होल नंबर के इनसाइड में है, इसलिए सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर होंगे। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि होल नंबर ऑलवेज 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, बट इंटीजर जो है वो 0 से निगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है, -1, -2, -3 भी हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर -1, -2, -3 नहीं हो सकते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स है। थर्ड है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी है आपका फॉल्स है, क्योंकि रैशनल नंबर हम 1/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 7, 16, 27 लाइक दिस, ये सब सारे नंबर होल नंबर आते हैं। होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, बट रैशनल नंबर हमारे फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, और इंटीजर भी हो सकते हैं रैशनल नंबर के लिए, क्योंकि रैशनल नंबर P/Q फॉर्मेशन में होता है। इसलिए होल नंबर जो होगा, एवरी रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर नहीं हो सकता है। तो आज हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया, और अगली क्लासेस में हम लोग मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 के प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे और फिर उसके कंसर्न एक्सरसाइज को। थैंक यू।